हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहू सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 10 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने वैल्यू चेंजेज और स्टेटस चेंजेज के बारे में देखा कि किस क्या कंसेप्ट होता है और किस तरीके से हम यूज करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करके भी देखा हमने अपने वीडियो ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि फॉर्म एरे क्या होता है, फॉर्म एरे का क्या कंसेप्ट है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा चीज हमें एंगुलर की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना होता है, इन सारे चीजों को हम डिटेल्स में इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। दोस्तों, फॉर्म एरे क्या है? एक क्लास है जो क्या करता है कि हमारे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म एरे का जो एरे बनता है उसके वैल्यू और वैलिडिटी स्टेट को ट्रैक करता है। मींस कि दोस्तों, ये फॉर्म एरे एग्रीगेट्स द वैल्यू ऑफ ईच चाइल्ड फॉर्म कंट्रोल इनटू एन एरे। दोस्तों, इसका जो पैकेज होता है, एनपीएम पैकेज होता है एंगुलर स्लैश फॉर्म, और इसको इंपोर्ट करना होता है। जैसे दोस्तों, जिस कंपोनेंट पर हमें यूज करना हो तो वहां पर हमें फॉर्म एरे को इंपोर्ट करना होगा एंगुलर के फॉर्म लाइब्रेरी से, राइट? तो दोस्तों, चलिए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं और इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे ब्राउजर में और इसका क्या कंसेप्ट होता है, राइट? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और देखते हैं इसका कंसेप्ट। दोस्तों, यह है प्रोजेक्ट जहाँ पर हम देखेंगे इसको रन कराकर। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर फॉर्म लाइब्रेरी से क्या करेंगे कि फॉर्म एरे को हम इम्पोर्ट कर लेंगे, राइट? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर्म एरे, इसको हमने इंपोर्ट किया तब हम इसको यूज कर सकते हैं आगे, राइट? और हम इस इवेंट पर जो एनजी ऑन इनिट है जो अपने आप एग्जीक्यूट करेगा, तो इस पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम इसको एक एरे बनाते हैं जो कि कौन से टाइप का होगा। हमने एरे लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि न्यू फॉर्म एरे, फॉर्म एरे हमने लिया यहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल लेंगे, यहाँ पर हमने कंट्रोल लिया, एक मिनट हम ऐसे कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल में दोस्तों एक मिनट, ये फॉर्म कंट्रोल होगा और इसमें हम कोई भी नेम ले सकते हैं इस कंट्रोल में। जैसे मानो दोस्तों, हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने अजीत ले लिया, उसके बाद हम इसने सेमी कॉलन, उसके बाद हम यहाँ पर हम कॉमा ले लेंगे क्योंकि हमारे इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसमें हमने अगले में ले लिया, जो भी हम ले सकते हैं, मोहन, सोहन, जो भी होगा आपका यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट, यहाँ पर हम सेमी कॉलन लेने के बाद यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं डेटा को देखने के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे डॉट वैल्यू और सेमी कॉलन, फिर एक और हम लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम स्टेटस ले लेंगे, एरे डॉट स्टेटस, राइट? अब यहाँ पर हम इसको रन कराकर देखेंगे दोस्तों। ये तो पहले हमें ये क्या करेगा कि हमारे कंट्रोल के वैल्यू को जो हमने लिख रखा है उसको तुरंत प्रिंट कर देगा कंसोल में, और ये हमें स्टेटस बताएगा कि ये फॉर्म कंट्रोल जो है, जो एरे है, वैलिड है कि नहीं है, राइट? अभी तो वैलिड दिखाएगा, हम इसमें एक वैलिडेशन लगा के चेक करेंगे, पहले इतना रन करा के आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको हम सेव करेंगे दोस्तों और फिर ब्राउजर पर चलेंगे। तो ये ब्राउजर है दोस्तों, रन कर चुका है, हम इसमें इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं ये हमारा वैल्यू आ गया होगा। यहाँ पर हम चलेंगे कंसोल में और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैलिड बता रहा है स्टेटस, और एरे के अंदर दो वैल्यू है जो दिखा रहा है कि इंडेक्स 1 0 पर अजीत और 1 पर मोहन दिखा रहा है, लेंथ 2 है और इसका स्टेटस वैलिड बता रहा है, राइट? अगर यही बात हम अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिख दिए हमने कुछ और, राइट? हमने यहाँ पर राम लिख दिया। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं
जैसे ही एक्टिवेट होगा डेटा यहाँ शो करेगा। देखिए फॉर्म एरे में राम और मोहन आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं जीरो पर क्या रहा है, वन पर क्या रहा है, और ये वैल्यू बता रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगाकर चेक कर सकते हैं कि इनवैलिड कैसे दिखता है। यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, वैलिडेटर लगा लेंगे, एक वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ, और इसमें दोस्तों हम 2 डाल दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम रन कराएंगे। अभी फर्स्ट टाइम में क्या करेगा कि हमें मिनिमम 2 डाल रखा है, तो ये तो 3, हमने राम में 3 करेक्टर है तो वैलिड दिखाएगा, राइट। जैसे ही इसका हमने करेक्टर चेंज किया, राइट, यहाँ पर हमने केवल R डाल दिया, राइट, तो सेव करेंगे तो हमें इनवैलिड बताना चाहिए यहाँ पर, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनवैलिड बता दिया, मीन्स कि हमारी ये वैल्यू और स्टेटस दोनों को ये ट्रैक कर रहा है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा कि कैसे इसको हम वैल्यू और स्टेटस को ट्रैक करते हैं। तो दोस्तों एक काम करते हैं, पहले हम इस कंट्रोल्स को पहले इम्पिटी कर लेते हैं। तो जैसे ही इम्पिटी करेंगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा कि एरे नल दिखाएगा, राइट। एरे तो शो करेगा बट उसके वैल्यू को नल दिखाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमें नल नल शो करना चाहिए, नल और नल, और वैलिड बता रहा है, राइट। मीन्स कि हमने कोई वैलिडेशन तो लगा रखा नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, जैसे इसमें हम पहले हमने बता रखा आपको कि सेट वैल्यू और पैच वैल्यू क्या होता है, उसी तरीके से सेट वैल्यू और पैच वैल्यू भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनके वैल्यू को सेट करने के लिए। तो दोस्तों मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि जब आप फॉर्म पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो इन सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा आपको वहाँ पर, और आप वहाँ पर इजिली कर पाएंगे, राइट। तो चलिए इसमें हम वैल्यू सेट करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर हम एरे डॉट सेट वैल्यू, और इसमें हम डाल देंगे एरे के अंदर, जैसे मानो दोस्तों हमने क्या किया, अजीत कॉमा एक और डाल दिया हमने मोहन, राइट। अब इसको हम सेमी कॉलन लगाएंगे, तो ये क्या करेगा कि दोस्तों की वैल्यू सेट कर देगा इन दोनों कंट्रोल में, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर आ जाएगा कंसोल में, अजीत और मोहन आ गया, वैल्यू बता रहा है। बट दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बता रखा है सेट वैल्यू और पैच वैल्यू जो बता रहे थे, तो उसमें बताया था कि सेट वैल्यू में सारे कंट्रोल में वैल्यू सेट करना होता है, उसी तरीके से यहाँ भी ये काम करता है। जैसे मान लो दोस्तों मैंने एक को हटा दिया, तो ये हमें एरर शो करेगा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोल के अंदर ये एरर आएगा, देखिए एरर आ गया यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि इंडेक्स 1 पर कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स कि 0 पर तो हमने वैल्यू लगा रखा है, यहाँ पर 0 में अजीत डाल रखा है, लेकिन 1 पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 इंडेक्स का वैल्यू एरे है, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, जब हमारे पास इस तरह का सीनारियो हो तो हमें यहाँ पर पैच वैल्यू यूज करना होगा, राइट। जैसा कि हमने पीछे भी बता रखा आपको, यहाँ पर जैसे ही पैच वैल्यू करेंगे तो ये इजिली रन कर जाएगा, एक पर नल दिखाएगा और एक में अजीत दिखा देगा, 0 पर अजीत और 1 पर नल दिखा देगा, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 वैल्यू हुआ, यहाँ पर अजीत और नल दिखाने लगा, 0 पर अजीत और 1 पर नल दिखा दिया, और ये वैलिड फॉर्म है, राइट। मीन्स कि आप दोस्तों एरे में भी सेट वैल्यू और पैच वैल्यू यूज कर सकते हैं, उस तरीके से इसमें रीसेट भी कर सकते हैं। चलिए एक रीसेट का भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि एरे के वैल्यू को हम रीसेट कैसे करते हैं, राइट। उसके लिए दोस्तों मान लो हम इसको अभी कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, रीसेट यूज करेंगे, एरे डॉट रीसेट, और इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल लेंगे। मान लो पहले से ही हम इसके वैल्यू को रीसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मानो दोस्तों हमने कुछ भी डाल लिया, नेम, और यहाँ पर हमने सेकेंड वाले वैल्यू के लिए लास्ट नेम, कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने मर्जी से यहाँ पर रीसेट करना हो तो। और यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेव करेंगे दोस्तों, ये वैल्यू अपने आप रीसेट करके दिखाएगा, अपने आप नेम और लास्ट नेम दिखने लगेगा, राइट, दोनों एरे में। यहाँ पर देखिए नेम और लास्ट नेम आ गया, राइट। मीन्स कि हम रीसेट भी यूज कर सकते हैं अपने इसके एरे, फॉर्म एरे के अंदर। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं फॉर्म एरे, और इसका इफेक्ट कैसे दिखता है, कैसे इसके वैल्यू को ट्रैक कर सकते हैं, और स्टेट को भी ट्रैक कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। अगर आप बिल्कुल ही कॉरपोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, देखिए एंगुलर 10 सीखना और एंगुलर 10 में काम करना बहुत डिफरेंट थिंग, क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो
तो एंगुलर 10 में केवल एंगुलर 10 का ही कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, या वहाँ पर आप काम करने जाएंगे तो केवल एंगुलर 10 का नॉलेज रखने से ही आप प्रोजेक्ट नहीं डेवलप करने रहेंगे, क्योंकि इसके कुछ सपोर्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे एंगुलर 10 में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, तो टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए। उसके बाद RxJS लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंगुलर मटेरियल बूट स्टेप एंगुलर में यूज करने आना चाहिए, API लिखना API कंज्यूम करने आना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से कॉरपोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़े कॉरपोरेट लेवल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंगुलर से रिलेटेड सारे चीज़ों का, जैसे कि फुल टाइप स्क्रिप्ट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, एंगुलर 10 यहाँ तक कि एंगुलर 2 से लेकर 9 तक के भी रिकमेंडेड सारे चेंजेज वो सारे बताए जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 10 सीख लिया तो 10 में ही काम मिलेगा किसी कंपनी में, हो सकता है कि 5 में मिल जाए 6 में मिल जाए, तो इसलिए आपको उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं तो सारे कंसेप्ट आपको बताते हैं, उसके बाद एंगुलर में जो कोड होता है टाइप स्क्रिप्ट में होता है तो पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी आपको हम पढ़ाते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में। उसके बाद हम RxJS लाइब्रेरी जो एंगुलर का हट माना जाता है, बहुत लोग कम नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी हम अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद एंगुलर मटेरियल बूट स्टेप यूज करना सिखाएंगे एंगुलर के साथ। उसके बाद API कंज्यूम करना, क्रिएट करना, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ REST API उसको कंज्यूम करना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट डेवलप करना सिखाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में हमने वो प्रोजेक्ट चूज किया जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में, जैसे e-commerce का एप्लीकेशन जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सारा चीज़ एक बार में आपको मिल जाएगा।